बेसिक क्वांटिटीज, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके अक्रॉस अक्सर हम नेटवर्क में आ जाया करते हैं, अक्सर इन क्वांटिटीज के बारे में सुन लेते हैं, जान लेते हैं, ये होती है हमारी बेसिक क्वांटिटी। तो आज हम कौन सी बेसिक क्वांटिटी की चर्चा सबसे पहले करने वाले हैं यार? सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट क्वांटिटी जो डिस्कस होगी, दैट विल बी चार्ज। क्या डिस्कस होगी सर सबसे पहले आज? चार्ज। बेटा सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज के बिना तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है। सर ये चार्ज क्या होता है? बेटा देखो, आप लोग एटॉमिक मॉडल से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, आपको पता है एटॉमिक मॉडल कैसा होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो। इसमें आप क्या कहते हो कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये इक्वल होते हैं, यानी जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। क्या होता है नेट चार्ज आपका बच्चे? जीरो। तो अब बात ये आती है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एटम के अंदर तो पॉजिटिव डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव डोमिनेट करता है, और इस तरह से किसी भी एटम पे चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। पहले पॉजिटिव जितना उतना नेगेटिव, तो टोटल हुआ जीरो। नेगेटिव घट गया तो टोटल आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर घट गया या नेगेटिव बढ़ गया तो टोटल आ गया नेगेटिव। तो दैट वे एनी एटम विल एक्वायर अ चार्ज। तो मैं आपके लिए एक एटम का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं यहां पे, इतने आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे, लिखना। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ न्यूट्रल एटम ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से नेट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, ऐसे लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज इज जीरो। ठीक है, नाउ इफ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, इफ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट्स एंड नेट चार्ज बिकम ग्रेटर देन जीरो। इज दैट क्लियर? अगला देखो, इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बेटा पढ़ने पे ध्यान दो सारे के सारे, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट्स नेट चार्ज इज नेगेटिव, नेट चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
तो एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? एटम के ऊपर चार्ज तब आता है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर ले, या वो इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर ले। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या प्रोवाइड करेगी? पॉजिटिव चार्ज, और बेटा इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस जनरेट करेगी नेगेटिव चार्ज। समझ आया? चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की मदद से एटम पे नेट चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब ये जो चार्ज होता है मेरे भाई, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है? कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, इसको सी से दिखाते हैं। अब क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज हम मानते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वैसे इससे छोटे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पता है, 2/3e और 1/3e एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। ऐसे लिखते हैं e 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम। दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज वी एज्यूम, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज वी एज्यूम। क्या कोई चैट में बताएगा भाई कि क्या होते हैं चार्जेस जो कि एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज कैरी करते हैं? ऐसे कौन से चार्जेस होते हैं एटम के अंदर विच कैरी द चार्ज फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये सोच के मुझे बताना, अगर नहीं पता है अभी तो बिल्कुल सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में कल से पहले लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने बच्चों ने सर्च किया है, ठीक है? तो ये हमारे पास आया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये समझ आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो अब बेटा बिल्कुल सिद्धार्थ ने आंसर पहले ही कर दिया, क्वार्क। क्वार्क आरुष बेटा, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट EMT, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क। अगर आप इस तरीके से डाइवर्ट हो गए ना, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटवर्क का सिलेबस ड्रैग करना। अब देखो, अब सेकेंड डेफिनेशन जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज करेंट। वैसे तो हमें प्रिसाइजली लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक करेंट, क्योंकि करेंट का मतलब होता है बहाव। करेंट का मतलब क्या होता है? बहाव। तो पानी में भी करंट होता है, जैसे नदी में आप जाते हो या समुद्र में जाते हो। अभी मैं गोवा होकर के आया, वहाँ समुद्र में जो लहरें होती हैं, दैट इज ऑल्सो द वाटर करंट। तो इसीलिए क्या होता है ना, सिर्फ करंट बोल देना अधूरा है, कायदे से हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बताता है चार्ज का बहाव, कितनी तेजी से चार्ज बहता है एक सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना, आपको यहां पे समझना होगा मॉडल ऑफ अ कंडक्टर। मॉडल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? अब सर कंडक्टर का मॉडल कैसा होता है? देखो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अगर ये कंडक्टिंग बार है तो इसमें ना पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? बेटा देखो, मैंने बताया अगर कोई एटम अपना चार्ज या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ना आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने छोड़े होंगे ना, वो इस टाइप से चारों तरफ फैले हुए होंगे। अब क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन तितर बितर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है? कभी इधर टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे, जैसे इन्होंने दारू पी रखी हो, इस टाइप से मूव करते रहते हैं, टक्कर होती रहती है इधर उधर। लेकिन बेटा जैसे ही आप इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जैसे ही आप इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, मान लो आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का बहना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज q इंटू E. अगर q नेगेटिव होगा तो F वेक्टर इज ऑपोजिट टू E वेक्टर, तो फोर्स उल्टा लगेगा. इस कारण से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं. अब देखो, जो एटम से बाहर आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, जो एटम से आजाद हो चुके हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या कहते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पे फ्लो करते हैं, और फ्लो करने से हम क्या कहते हैं? करंट फ्लोज. तो करंट क्या है? करंट बताता है कितने रेट से चार्ज एक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है. चार्ज क्यों फ्लो करता है? कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ के मूव करने लगते हैं. किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. समझ में आया करंट कैसे फ्लो करता है? ये बात समझ में आई, करंट कैसे फ्लो करता है? तो आप यहां पे क्या बोलोगे? करंट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ फ्लो, ऑफ चार्ज थ्रू आ कंडक्टर. कहां से? थ्रू आ कंडक्टर. ठीक है, एक कंडक्टर से कितने रेट से चार्ज फ्लो करता है वो करंट बताता है. अब ये कैसे पता चलता है? डेरिवेटिव से. भाई अगर कभी भी रेट की बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में. कोई भी रेट देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ द रेट. प्रथमेश, ये इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज एक्सटर्नल. क्या होता है ना, कभी भी कोई भी बॉडी इंटरनल फोर्स के कारण मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, इसीलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं. बट अभी मैकेनिक्स में इतना नहीं घुस जाते. ठीक है, अब देखो, तो हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम. चार्ज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम. देखो यहां पे हम ये बात कर लेते हैं कि ये अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे भेद रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट वी विल कॉल इट एज द करेंट. क्या बोलेंगे इसको? करेंट बोलेंगे. ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है यार? देखो किसी भी दिशा में अगर कोई भी बहाव है, पानी का बहाव है, चार्ज का बहाव है, कोई भी बहाव है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या बोलते हैं उसे? क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया आगे लाइफ में कभी भी एनकाउंटर करो तो बोलना क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो कि परपेंडिकुलर हो टू अ सर्टेन डायरेक्शन. एरिया परपेंडिकुलर टू अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शन एरिया. It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date.
with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.